हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हो माय टेक मतलब यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एचटीएमएल की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम अब देखेंगे कि फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट एरिया नाम का कंट्रोल भी होता है, जिसमें आप मल्टीपल लाइंस एंटर कर सकते हो। अभी तक आपने टेक्स्ट बॉक्स देखा था, जिसमें आप जो भी कंटेंट लिखते थे वो एक सिंगल लाइन में आपका जाता था, लेकिन इस टेक्स्ट एरिया के थ्रू आप अपने कंटेंट को मल्टीपल लाइंस में लाइक ए पैराग्राफ की तरह आप इसको इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो नेम होता है एट्रीब्यूट्स, वो आपका मैंने आपको पहले ही बताया, अभी तक के जितने कंट्रोल यूज किए सबके अंदर नेम का सेम फंक्शनलिटी है कि वो आपके उस कंट्रोल को यूनिकली डिफाइन करता है सर्वर के लिए। इसमें होती है रोज एंड कॉलम्स। जो रोज एंड कॉलम्स बताता है कि आप उसके अंदर कितनी लाइंस लिख सकते हो, मल्टीपल लाइंस में आप कितनी लाइंस लिख सकते हो, कितनी लाइंस का कंटेंट आप उसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो वो हमें डिफाइन करना होता है कि 1 लाइन का चाहिए, 10 लाइन का चाहिए, 20 लाइन का चाहिए, तो हमें 10, 20, 30 जो भी हमें नंबर देना वो दे सकते हैं। कॉलम होता है कि आप 1 लाइन के अंदर कितने अल्फाबेट इंक्लूडिंग स्पेस लिख सकते हो। ठीक है, तो वो आपका कॉलम होता है। जैसे आपने टेबल के अंदर देखा ही था रोज एंड कॉलम, ठीक है सेम वैसे ही है इसमें भी रोज एंड कॉलम, कि रोज मतलब कि कितनी मल्टीपल लाइंस आप लिख सकते हो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और कॉलम के 1 लाइन में आप इंक्लूडिंग स्पेस कितने कैरेक्टर डाल सकते हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज करते हैं एचटीएमएल में, इसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग होता है जिसके थ्रू ये लिखा जाता है। इसको टेक्स्ट बॉक्स की तरह हम लोग नहीं लिखते हैं कि जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट या पासवर्ड, इस तरीके से नहीं लिखते। इसके लिखने का लिए सिंटैक्स अलग होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है और इसका क्लोजिंग टैग भी होता है मस्ट। अगर आप क्लोजिंग टैग नहीं लिखेंगे तो आगे का इसके बाद में जितना भी मैटर आप लिखेंगे वो सब बाय डिफॉल्ट इसी के अंदर आता चला जाएगा, तो इसलिए इसको क्लोज करना भी आपके लिए कंपलसरी होता है। तो हम देखते हैं इसको किस तरीके से आप नोटपैड में करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम अपना नोटपैड ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया, और इसको टेक्स्ट एरिया को हम क्लोज भी करते हैं। ओके, अब अगर हम इसको इतना ही लिख के छोड़ देते हैं तो हमारा जो कंट्रोल है वो आ जाता है बाय डिफॉल्ट इस साइज में, ठीक है, जिसके अंदर हमारी 2 रोज है। आप देख रहे हैं माउस को ऊपर नीचे आप क्लिक करते हैं, 1 एंड 2, 1 2, 1 2, ठीक है 2 रोज आपकी इसमें बनती है। लेकिन हमें अगर रोज ज़्यादा चाहिए, ठीक है रोज ज़्यादा चाहिए, तो हम किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इन्फॉर्मेशन सर्वर पे भेजता है, तो हम इसको नेम लिखते हैं कि सपोज TR1 कर देते हैं हम इसको, टेक्स्ट एरिया 1। ठीक है, ID डिफाइन कर दी हमने TR1, एंड रोज, रोज में हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं कि हमें कितनी रोज में इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी है, तो हम यहाँ देते हैं फॉर एग्जाम्पल 10, और कॉलम्स ये एक एक रो में कितने करेक्टर आएंगे इंक्लूडिंग स्पेस, तो हम यहाँ देते हैं 100 फॉर एग्जाम्पल, या 100 को थोड़ा सा कम कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे आपका विजिबल नहीं होगा, स्क्रीन छोटी है तो 100 विजिबल नहीं होगा। तो हम इतना इस पर लिख के इसको सेव करते हैं, तो आप देखेंगे ये आपका टेक्स्ट बॉक्स का साइज कितना इंक्रीज हो गया। ठीक है, अभी 50 में भी ये स्क्रॉल आ गया। अगर हम इसको 40, 30 करते हैं, सेव करते हैं, तो ये आपका सेव आ गया। ठीक, तो ये आपका ही आ गया। अब इसमें आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपकी 10 रोज है। ठीक है, 10 रोज आपने डिफाइन किए, 10 रोज है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और हमने 30 कॉलम डिफाइन किए, तो आप 30 कॉलम्स देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंसिडर कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 30 करेक्टर आ गए आपके एक रो में। ठीक, तो इस तरीके से आपके टेक्स्ट एरिया डिफाइंड होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।